अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स पॉलिटिकल साइंस। इट्स पेज नंबर 38। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आप देखेंगे, एक टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। अगर हम भी पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बाद में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो तनाज वगैरह होते हैं, या तो डिफरेंट कास्ट्स में होते हैं या डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स में होते हैं, तो ये गवर्नमेंट का काम है इनको रिजॉल्व करना। तो माया की स्टोरी में हमने पढ़ा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बाद वायलेंस होती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि एक ग्रुप डिसाइड करता है कि ये ठीक है कि इफ़ वी विल फोर्स द अदर ग्रुप, ना, यानी कि ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हीं से क्रिएट या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जब पीपल डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं, या रीजन्स, या मुख्तलिफ किस्म के का इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, कुछ लोग इकोनॉमिकली साउंड होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, या रिच पुअर जो होते हैं, फिर ये जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो उनको इन्फीरियर कंसिडर करते हैं, या रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं, तो इस पे क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसके बाद वायलेंस होती है इन डिफरेंसेस को देख के, उसके बाद फियर यानी कि डर, खौफ, टेंशन, ये क्रिएट होता है। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है दैट्स गवर्नमेंट जो है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, और गवर्नमेंट का क्या रोल है इनको रिजॉल्व, इनका सलूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बेसिक रूल्स और लॉज जो है, जो सब यानी कि कास्ट्स को, जितने भी वेदर मेजॉरिटी में आते हैं या माइनॉरिटी में आते हैं, उनको फॉलो करने हैं। दीज लॉज आर फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी कि ये लॉज, कानून जो बनाए गए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स जो हैं, इनको रिजॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉज। तो किस हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, डिस्प्यूट्स जो है, किस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। रिलीजन प्रोसेसेंस या सेलिब्रेशंस जो है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रूट प्रोसेशन जो होता है जिसमें लेटर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्नड कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट सॉल्यूशन। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस मे इरप्ट with people throwing stones or trying to disrupt the procession, the police is responsible for ensuring the violence doesn't take place। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो किसका है, वो पुलिस का है, कि रिलीजन जो है, फेस्टिवल्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, फिर रिलीजन प्रोसेशंस होते हैं, फिर वहाँ पे कुछ किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट होता है, वो एक दूसरे पे स्टोन्स थ्रो करते हैं, तो इसमें किसका ज़्यादा रोल है, पुलिस का। रिवर्स जो है, दरिया जो है, वो भी एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है बिटवीन स्टेट्स में, है ना। यानी कि आपने सुना भी होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो कावरी वाटर डिस्प्यूट जो है उनके बीच था, ठीक है ना। तो जो वाटर कृष्णा राजा सागरा डैम में स्टोर किया जाता था कर्नाटका में, वो इरीगेशन के लिए यूज़ होता था, ठीक है ना। तो इन रिवर्स भी एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो इसमें किसका रोल है, ये ज़्यादा रोल किसका है, इसमें गवर्नमेंट का है, पुलिस का है, ये सब रिजॉल्व करने के लिए। तो ये हमने इसके लिए पढ़ा है, तो नेक्स्ट हमें इसका क्वेश्चन करना है।